हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। सो हम अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे फुटओवर ब्रिज का। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा स्केलिंग करेंगे। थोड़ा सा स्केलिंग रिक्वायर्ड है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और हमारे पास एक दूसरी फाइल है यहाँ पर, वो है ओवरहेड वायर्स की। यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे ऑलरेडी है, हम ये फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं ये फाइल के अंदर। बट सबसे पहले ये फाइल में जाएंगे और टॉप व्यू में जाता हूँ और एक लाइन लेता हूँ यहाँ से और एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। थोड़ी सी लाइन ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं यहां पर। और रेंडरिंग में जाएंगे, एनेबल इन व्यूपोर्ट करेंगे और इसकी थोड़ी सी थिकनेस अगर आपको लगती है तो आप हल्की सी थिकनेस इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, और एक चीज हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसे सेलेक्ट करेंगे, ट्रैक्स को छोड़ देंगे, एक्सेप्ट लीविंग द ट्रैक्स। थोड़ा सा रिसाइज अप करेंगे, हल्का सा इसे थोड़ा रिसाइजिंग करेंगे। थोड़ी सी इसकी हाइट इंक्रीज करेंगे। थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट अप करेंगे यहां पर। सो साइड व्यू में जाएंगे और इसकी थोड़ी सी थिकनेस रिड्यूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे और थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करना है तो हम इसकी साइज डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं। और इसे एक्सक्लूड करेंगे, ओके, ये अभी काफी बेटर लग रहा है। सो राइट क्लिक करेंगे, वायर सेलेक्ट करेंगे, रिफाइन करेंगे। सो रिफाइन से आप इसमें वर्टाइसेस एड ऑन कर सकते हो। सो मैं वर्टेक्स में जाऊंगा और वर्टाइसेस अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा वायर को एकदम स्ट्रेट नहीं दिखाना, हल्का सा बेंड काइंड ऑफ दिखाना, तो आप इसको बेंड दिखा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये फाइल में जाएंगे, ओवरहेड वायर्स वाली फाइल जो है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं सेव एज कर लेता हूं एक बार, ओवरहेड 2 कर लेता हूं। और बाकी सब जो है इसे हम यहाँ से एक्सक्लूड कर लेते हैं और इसे मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और वही फोल्डर में जाकर इसे मैं OBJ में सेव कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट एज OBJ कर सकते हो या फिर 3DS में कर सकते हो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कर लीजिए, इसमें पॉलीगन्स रखिए, फेसेस, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल रखिए और इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए। फुटओवर ब्रिज में आइए, फाइल में जाइए, इंपोर्ट कीजिए। सो ये फाइल को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से।
सो इसे हम साइज में इंक्रीज करेंगे और एफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट करके इस हम एक ग्रुप बना देंगे। सो ये हमारे लिए काफ़ी इजी होगा मूव करने में। सो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर प्लेसअप कर लेता हूँ। एक चीज़ जो यहाँ पर छूट गई है वो यहाँ से हम एक जो हमें रॉड प्लेसअप करना था वो रह गया है। सो थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज करेंगे यहां से इस तरह से प्लेसमेंट करेंगे। सो यहां पर जाएंगे तो ये जो ओवरहेड का जो पार्ट है वो हम इसे प्रॉपर सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा रीसाइज अप करना था आप रीसाइज अप कर सकते हो। और थोड़ा सा नज़दीक लेकर आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसका जो वर्टाइसेस है हम इसे और पुश करेंगे और यहाँ पर जाकर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर इसे इस तरह से कनेक्ट अप करना है तो हम इसे कनेक्ट अप करवा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। सो डेफिनेटली इसे हम थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, राइट क्लिक करता हूं, रिफाइन में जाता हूं, तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है यहाँ पर। सो फ्रंट व्यू में जाऊंगा, एक बॉक्स ले लेता हूँ, यहां से एक सिलेंडर लेता हूं, सिलेंडर को इंटरसेक्ट कर लेता हूं, शिफ्ट सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करता हूं। सो यहां पर जाएंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स प्रो बुलियन स्टार्ट पिकिंग। सो मैंने यहाँ पे हॉलो कर दिया है तो ये इस तरह से ये प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। सो इसे फिर से हम सेलेक्ट करेंगे और सेम इसकी इस तरह से जो आपको डुप्लीकेट्स बनानी है आप डुप्लीकेट्स बना सकते हो।
सो आप इसे फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। और सेम मल्टीपल कॉपीज आप यहाँ पर आगे भी बना सकते हो इस तरह से। सो यहां पर जाकर सबसे पहले मैं इसे अटैच कर लेता हूं। सो अटैच कर लीजिए ट्रैक्स को। सो वर्टाइसेस में जाएंगे और इसे हम आगे तक पुल कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ तक पुल कर लेते हैं। और यहाँ पर जाकर आपको जितनी कॉपीज चाहिए आप उतनी कॉपीज इसको दे दीजिए। और ये सेम कॉपीज में यहाँ पर प्लेस कर। और इसे डिलीट कर देंगे। सो सेम थिंग ये हमने यहाँ तक एक्सटेंड अप किया है। और यहाँ पर जाकर आपको और एक्सटेंड अप करना है तो आप एक्सटेंड अप कर दीजिए यहाँ पर। सेम चीज ये सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसके भी हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो कंट्रोल ए प्रेस करके एक नॉर्मल सा मटेरियल असाइन अप कर लेता हूँ। सो ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ तक जाएगा और ये आपका यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर रहा है। तो इसको कंटिन्यू करो इस तरह से ऐसे कनेक्ट अप कर दो। सो फाइल को आप सेव कर सकते हैं यहाँ पर। सेव कर लीजिए फाइल। तो ये आपका सीन जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पुट कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।